नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये एपिसोड है बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, तो ये एपिसोड आप पूरा देखिएगा। अगर आप एक ऑप्टिशियन हैं या ऑप्टिकल शॉप पे आप वर्क करते हैं, आपका खुद का ऑप्टिकल शॉप, या आप अगर एक यूज़र भी हैं, तो अक्सर कमेंट में मुझे गाइस पूछा जाता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ माई प्रिस्क्रिप्शन, राइट। सो कमेंट में काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरा ये नंबर है, कितने पॉइंट का नंबर है ये आप बता दीजिए, सर मेरा ये पर्टिकुलर पावर है, तो ये पावर क्या बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली व्हाट दे वांट टू आस्क इज़, वो क्या जानना चाहते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ देयर प्रिस्क्रिप्शन, मतलब उनका जो पावर है, जो आपको इस तरह का एक प्रिस्क्रिप्शन कार्ड मिलता है जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आई डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, देखिए इस तरह का कार्ड दिया जाता है, उसमें पावर लिखा हुआ रहता है, राइट। सो वो पावर कितना स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली, वो बहुत ज़्यादा है कि कम है, कि उनकी आंखें कितनी ख़राब है, ये सारा चीज़ उनके माइंड पे चलता है, तो यही सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस आपको जानना पड़ेगा प्रिस्क्रिप्शन या पावर आपका कितना स्ट्रांग है, वो जानने से पहले कि पावर बेसिकली आता क्यों है और कब हमको पावर दिया जाता है, तो ही हम इन चीज़ों के बारे पर डिटेल्स जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एक एक करके पावर के डिफरेंट पार्ट्स। हम गाइस यहाँ पे समझते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन को, ये है राइट आई और ये है लेफ्ट आई, कई जगह ये राइट आई को, ठीक है, ओडी भी लिखा जाता है, ओ डी, और कई जगह इसको अब ओएस भी लिखा जाता है, ठीक है, ऑक्यूलस डेक्स्टर, ऑक्यूलस सिनिस्टर, ठीक है, ये लैटिन वर्ड्स हैं, तो ये राइट आई और लेफ्ट आई को इंडिकेट करते हैं। फिर लिखा जाता है ये DSPH, व्हाट इज़ DSPH गाइस, स्पेरिकल पावर, स्पेरिकल पावर को लिखा जाता है, DSPH से डिनोट होता है ये, राइट। उसके बाद आता है DCYL, सिलेंड्रिकल पावर, और ये दोनों पार्ट एक साथ होता है, सिलेंड्रिकल पावर ऑलवेज कम्स विद एक्सिस, वो जो आप प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं 180 डिग्री, 90 डिग्री, 10 डिग्री, बहुत कुछ अलग अलग टर्म्स में ये लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस पार्ट को ढक देते हैं, राइट, सिलेंड्रिकल पे अभी नहीं जाते, अभी ध्यान देते हैं स्पेरिकल पे। तो ये सीरीज़ होने वाला है, ये काफ़ी एपिसोड मैं डालूंगा इस पर, ये सीरीज़ का पहला एपिसोड है जिसमें हम समझ रहे हैं अपने स्पेक्स नंबर को। अब देखिए गाइस, यहाँ पे ये जो स्पेरिकल पार्ट है, ये दो तरीके से हो सकता है, एक माइनस दूसरा प्लस, ये माइनस में भी लिखा हो सकता है, माइनस पावर में या प्लस पावर पे, ठीक है। तो माइनस मतलब क्या होता है, मायोपिया गाइस, जिनको दूर में देखने की दिक्कत है, ठीक है। मायोपिया क्या होता है, सपोज़ कीजिए ये आपका आई है, ये पॉइंट जो मैं बना रहा हूँ ये है, सपोज़ कीजिए रेटिना, राइट, लाइट यहाँ से गाइस हम लोग देखते कैसे, देखिए बेसिक मैकेनिज्म है, लाइट यहाँ से आती है, ये रिफ्रैक्ट होती है हमारे आँखों पे, कॉर्निया से होके रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट मतलब बेंड, बेंड होके ये जब रेटिना पे पहुंचती है तो इसको कहा जाता है हेल्दी आई, मतलब लाइट अगर रिफ्रैक्ट होके रेटिना पे प्रॉपरली फोकस अपना बना रही है तो हमको साफ साफ दिखता है, और उसी को हम कहते हैं 6x6 विजन, ठीक है। अक्सर आपने ये सुना होगा 6x6 विजन, ये गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में लगता है, मतलब जिनकी आँखें सही है, जैसे मैं चश्मा नहीं पहनता हूँ, मुझे दूर की एक दूर में एक पर्टिकुलर अक्षर देखने के लिए, एक पर्टिकुलर अक्षर पे फोकस बनाने के लिए मुझे पावर की ज़रूरत नहीं, तो मेरा 6x6 विजन होगा, मतलब मेरी आंखें एकदम परफेक्ट है, 6x6 विजन, राइट। तो ये है माइनस पावर कब लगेगा गाइज आपको, ये तो मैंने बता दिया कि रेटिना पे अगर प्रॉपर फोकस होता है तो आपका 6x6 है, आपको कोई पावर की ज़रूरत नहीं है। माइनस पावर में क्या होता है, देखिए ये लाइट आया, रिफ्रैक्ट हुआ, ये रेटिना पे गाइज नहीं पड़ के लाइट पहले ही पड़ जाता है, राइट, दिस इज़ फॉर माइनस पावर, ये लाइट का रिफ्रैक्शन जो होता है, लाइट बेंड होकर रेटिना पे ना पड़ के पहले पड़ जाता है, ठीक है, तो माइनस पावर का ग्लासेस लगता है। अब गाइस जितना आपका आईसाइट वीक होगा, जितना आपको दूर का छोटा अक्षर देखने में दिक्कत होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका प्रिस्क्रिप्शन होगा, राइट। और ये जो दूर का देखने में जो प्रॉब्लम होता है, इसको रेक्टिफाई करते हैं हम इस तरह के पावर लेंसेस से, ठीक है। अब माइनस 2.50 का ग्लास हो सकता है, और ज़्यादा आपका आईसाइट ख़राब है तो माइनस 450, और ज़्यादा ख़राब है तो इससे ऊपर का भी
आप बहुत ज़्यादा आईसाइट वीक है कि दूर में आपको बहुत देखने की दिक्कत होती है, चश्मा छोड़ के आप देख ही नहीं पाते, तो वाइस वर्सा ये पावर बढ़ता जाएगा। किसी को -8 -9 -16 तक का ग्लासेस भी आता है गाइस। तो जनरली ये है माइनस पावर का कंसेप्ट, जितना आपका आईसाइट वीक होगा उतना ये माइनस नंबर बढ़ता जाएगा, राइट। तो गाइस माइनस मैंने आपको समझा दिया है कि ये लाइट का रिफ्रैक्शन जो होता है वो रेटिना से पहले होता है, और एक पावर का माइनस लेंस देके उसको प्रॉपरली रेटिना पे फोकस करवाया जाता है, तो ही हम प्रॉपरली देख पाते हैं, राइट। दिस इज़ अ वर्क ऑफ माइनस लेंस। प्लस लेंसेज क्या होता है गाइस, एकदम अपोजिट। सपोज कीजिए ये आपकी आईज है, राइट, मैं बना रहा हूँ, ये आपकी आईज है, यहाँ से लाइट गया और वो क्या होता है, रेटिना यहाँ है, रेटिना से पीछे वो अपना फोकस बना देता है, राइट। सो जनरली क्या होता है, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि माइनस पावर में रेटिना से पहले, क्योंकि लाइट फोकस हो जाता है उसको रेटिना तक पहुंचाने के लिए माइनस लेंसेज को यूज़ किया जाता है। प्लस में अपोजिट, प्लस में वो लाइट बेंड होकर या रिफ्रैक्ट होकर रेटिना से पीछे गिरता है, तो उसको प्लस एक लेंसेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लस लेंसेज, और उसको खींच कर यहाँ रेटिना तक लाया जाता है। मतलब मेन काम आपकी आँखों का ये है कि लाइट का फोकस, लाइट बेंड होकर कॉर्निया से रेटिना पे गिरना चाहिए, तो ही ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सिग्नल भेजेगा और आप प्रॉपरली देख पाएंगे, राइट। तो प्लस पावर, अब प्लस पावर में भी सेम है, जितना ज़्यादा प्लस नंबर आपको लगा हुआ गाइस उतना ही आपको नज़दीक में देखने के लिए प्लस पावर होता है। माइनस में ऐसे दूर देखने के लिए टेस्ट किया जाता है, वैसे नज़दीक में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फॉर दैट हमको एक नियर विजन का चार्ट चाहिए होगा, लाइक दिस, देखिए यह है नियर विजन टेस्ट बुक। यहाँ पे 1.5 फीट की दूरी पे रख के आपको कुछ अक्षर डॉक्टर्स पढ़ाते हैं, राइट। 1.5 फीट मतलब सपोज़ कीजिए एक हाथ की दूरी पे आपको ऐसे रख लेना है किताब और इन अक्षरों को पढ़ना है। तो अगर आप ये सबसे छोटा वाला अक्षर, ठीक है, पढ़ लेते हैं प्रॉपरली, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको, मेरी नज़र एकदम नज़दीक की, ठीक है, हैप्पीनेस टू फैमिली, सो वाई नॉट डिसाइडेड नाउ अबाउट डोनेटिंग आवर आईज आफ्टर डेथ, राइट। सो ये वाला अक्षर अगर आपको ठीक से नहीं दिखता तो आपको प्लस का पावर लगेगा, ठीक है, एकदम बेसिक। प्लस का जनरली पावर स्टार्ट होता है +1 से, और ये प्लस पावर जनरली गाइस, ठीक है, बेस्ड ऑन योर आई शेप, मैंने जैसे समझा दिया आपको, आई शेप के ऊपर होता है। अगर रेटिना से बाद में आपका आई फोकस करता है तो आपको नज़दीक में देखने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, देन यू नीड प्लस पावर, राइट। सो ये स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स मैंने बताया। अब आएंगे हम एस्टिगमेटिज्म यानी सिलेंड्रिकल लेंसेज पे। एस्टिगमेटिज्म क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको समझा दिया, आई का प्रॉपर मैकेनिज्म कि रेटिना पे लाइट का जो रिफ्रैक्शन होना चाहिए वो रेटिना पे होना चाहिए, तो ही हमको प्रॉपर दिखेगा। तो आईज़ पूरा गोल ना होकर, ठीक है, थोड़ी चपटी होती है एस्टिगमेटिज्म में, मतलब सिलेंड्रिकल पावर जिनको लगता है। सो क्या होता है गाइस, लाइट मल्टीपल पोजीशंस पे अपना फोकस बनाती है, तो इसीलिए देखिएगा अगर एस्टिगमेटिज्म के पेशेंट को अक्षर जो होता है वो धुंधला दिखाई देता है, ऐसे एफ दिखाई दिया लेकिन एफ के ऊपर एफ, ऐसे ब्लरी सा दिखाई देता है, या अक्षर के ऊपर अक्षर चढ़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, और उनको हेड स्ट्रेन भी होता है क्योंकि रेटिना पे लाइट अपना फोकस ना बनाकर मल्टीपल जगह पे बनाती है, मतलब 2-3 जगह पे फोकस बनाने के लिए लगती है। तो ये जो सिलेंड्रिकल पावर होता है गाइस, इस पे क्या होता है, हमेशा एक एक्सिस होता है, राइट। सपोज़ कीजिए -1 सिलेंड्रिकल के साथ 180 डिग्री एक्सिस, मतलब जिस डिग्री पे, राइट, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका एक ट्रायल लेंस है, इस तरह से आपको डिग्री बदल बदल के डॉक्टर देखते हैं किस जगह आपको साफ दिख रहा है या रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे आपको एक और लेंस दिखाता हूँ, आपका पावर है -1, सपोज़ कीजिए -1 सिलेंड्रिकल, और ये एक्सिस बदल बदल के आपको चेक किया था, 180 डिग्री पे आपको साफ दिख रहा है या 170 पे साफ दिख रहा है या 160 पे साफ दिख रहा है या वाइस वर्सा, ठीक है। और सेम प्रॉब्लम सेम होता है, अगर लाइट अपना मल्टीपल फोकस बनाती है रेटिना से पहले तो माइनस पावर, और अगर मल्टीपल फोकस बनता है आपका
रेटिना के बाद तो प्लस पावर बेस्ड ऑन आवर आई शेप। और यहाँ पे माइनस और प्लस पावर के बारे में एक और चीज़ बताऊँगा आपको, बहुत इम्पोर्टेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज़ उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया है। अगर ऐसे इम्पोर्टेंट एपिसोड आपको चैनल से चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उस इंसान के साथ जो चश्मा पहनता है या जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करता है या कहीं कहीं ना कहीं जो ऑप्टिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ताकि उसकी हेल्प हो जाए। और ये पहला एपिसोड था हाउ टू रीड योर आई ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन का एंड अंडरस्टैंड योर स्पेक्स पावर का। तो ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, और मैं इस पर और भी एपिसोड डालूंगा जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा। तो कोई भी अगर क्वेश्चन और हो तो मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो के, मैं और भी आपको सिखाऊंगा और भी आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। दिस इज ज्ञानी चश्मा साइनिंग आउट फॉर टुडे।